नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले मैं बंटी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। बंटी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल रहेजा मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले इस खास पेशकश का मकसद बताना चाहता हूँ। मकसद है ये बताना कि किस तरह से एक बहुत तेज दिमाग, एक ऐसा शख्स जो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता तो जाने क्या कर सकता था, वो चोर क्यों बनता है। और दूसरा, जब वो सजा काटने के बाद वापस आता है, आम लोगों में घुलना मिलना चाहता है, तो उसे समाज में क्या दिक्कतें पेश आती है या क्या समाज ऐसे शख्स को एक्सेप्ट कर पाता है। ये वो बड़े सवाल होंगे जो इस खास पेशकश के दौरान मेरे सामने रहेंगे, आपके सामने भी आएंगे। सुपर चोर, जी हाँ, ये तमगा बंटी के नाम के साथ जुड़ गया। उन्हें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये एकदम अलग मसला है, लेकिन सुपर चोर का ये एक तमगा उनके साथ जुड़ गया, क्योंकि बंटी ने कई ऐसे कारनामे किए, कई ऐसी चोरियां की जिसके बाद कई मैगजीन्स ने, कई अखबारों ने, और यहां तक कि ओए लकी लकी ओए हाल ही में एक फिल्म बनी है जो इन्हीं के जीवन पर बनी हुई है। इनका शौक आलिशान गाड़ियां भी हुआ करती थी। क्या ये चोरी शौक के लिए किया करते थे, पैसे के लिए किया करते थे? पुलिस की नाक में भी इन्होंने लंबे समय तक दम करके रखा था। बंटी को पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया था। लाख कोशिशों के बाद 2004 में बंटी एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़े थे, और जब 3 साल की जेल काट कर निकले तो उनकी दुनिया बदल चुकी थी। अब चोरी से बंटी का मन हट चुका है, या वो अब इस रास्ते से पूरी तरह से हट चुके हैं? इसके पीछे क्या वजह है और क्या कुछ बंटी के जहन में चलता रहा, ये तमाम चीजें होंगी हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले बंटी, सुपर चोर ये जो चीज आपके साथ जुड़ी हुई है, बुरी लगती है या ठीक लगता है आपको कि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, बहुत बुरा लगता है चोर नाम। बुरा लगता है चोर जुड़ा हुआ, लेकिन इसी नाम से आपको तमाम आपको याद होगा, आपने खुद भी वो मैगजीन्स पढ़ी होंगी, मनोहर कहानियां, सत्य कथाएं भरी पड़ी रहती थी आपके किस्सों से। क्राइम कहती है, बड़ी बुक है। क्राइम में आपका बड़ा नाम चलता रहा एक समय पर। उस समय जब पढ़ते थे तब क्या लगता था? तुम्हें समझ नहीं, जितनी बोझा नॉलेज है, बुरा लगता बोझा। अब जब समझ आ गई है, जब आप देखते हैं कि वो चीजें जो उस वक्त शायद मजा देती थी, शौक की तरह बन गई थी, वो कितनी बुरी होती है समाज में ये इमेज दिलाने के लिए। बंटी, हमने आपकी जीवन पर एक फिल्म भी देखी है, ओए लकी लकी ओए। अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस फिल्म को देखा और काफी पसंद भी किया है। क्या वो आपकी जिंदगी से मिलती जुलती, आपने देखी है वो फिल्म? देखी, मिलती जुलती है आपकी? बिल्कुल मिलती जुलती। मतलब जिन्होंने उस फिल्म को देखा है वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंटी की कहानी थी जो लकी। मैं हमसे स्टोरी मांगी भी थी, बोला था कि हमें अपनी स्टोरी चाहिए डायरेक्टर से मिलने के लिए, बोला था तो हमसे कई लोग मिले थे डायरेक्टर के। आपने अपनी कहानी की शुरुआत कहाँ से की थी? कौन सी कहानी की? जब आपने अपने जीवन की कहानी, मान लीजिए मैं आपसे आपकी कहानी पूछता हूँ, तो आपको सबसे शुरुआत में क्या याद आता है, किस चीज को आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो ये था, मैं छोटा सा था, मैं घर से, मैं डैडी ने मुझे निकाल दिया था, तब से बाहर आ गया अपने घर से, वो इस लाइन में आ गया। डैडी की मारपीट, डैडी का घर से निकालना, आपको लगता है ये जिम्मेदार है आपको एक चोर बनाने के लिए? उस वक्त क्या होता था, यानी किस तरह से आपके साथ मारपीट होती थी या किस तरह की ऐसी बातें थी जो आपको, क्योंकि मारपीट मेरे साथ भी हुई, डॉक्टर निखिल के साथ भी हुई होगी, सबके साथ थोड़ी बहुत मारपीट होती है। हमारी फैक्ट्री थी इलेक्ट्रॉनिक की, तो मैं डैडी कहते थे बाहर घूमो मत, जाओ मत, फिर मार के भगा दिया मुझे घर से, घर मत आओ, 2-3 बजे भगा दिया, फिर हम वापिस नहीं आए। फिल्म ने तो ये भी दिखाया कि कुछ परिवार में भी ऐसा टेंशन चल रहा था या परिवार में भी बहुत चीजें बैलेंस नहीं थी, शायद इसकी वजह से दिक्कतें थी। हम बंटी की दस्तक, जैसा मैंने शुरुआत में पूछा बंटी से कि ओए लकी लकी ओए, ये एक ऐसी फिल्म थी जो उनकी जिंदगी को बहुत हद तक पूरी तरह से 90% उनकी जिंदगी को बयां करती है, तो उनकी जिंदगी की 10 कहानियां इस फिल्म के जरिए भी हम आपके सामने रखेंगे। ਸ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰਾ ਛੁੱਟ ਪਿਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਫਟ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੀ ਮੰਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦਾ ਕੀ।
चोर। मैं चुगनी दा सजना की चकले चे रज रज वसना चुगनी पौंदी। इसको कहां लेके जा रहे हो? तो मेरा म्यूजिक सिस्टम है। अंदर जाके देख तो लो मैडम, आपके पापा इसकी जगह आपके लिए क्या लेके आए हैं। ओके। और मैडम हैप्पी बर्थडे। जुगनी के लिए इंग्लिश क्या हुआ था? ये इसकी सच्ची कहानी कहती। तो सच्ची कहानी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना ये जी, तो उसमें इसमें केस किया था। क्या किया था आपने? आपने मतलब म्यूजिक सिस्टम लेकर निकले और जिनका था उनको भी आप बेवकूफ बना के देख सुन रहे होंगे क्या सोचेंगे। नहीं क्योंकि अच्छा एक चीज ये यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जो भी मकसद है आपकी इस फिल्म में, आपकी ये हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन इन्होंने गुदगुदाया बहुत। जैसे आप अभी मुस्कुरा रहे थे, मैं भी हंस रहा था। डॉक्टर निखिल, ये चोरी को कोई जायज नहीं ठहराएगा, आप खुद भी आप ठीक नहीं मानते इस बात को, लेकिन आपने जिस तरीके से ये सब कुछ किया, जैसे आप आंखों के सामने करके निकल जाते थे, उससे लोग बहुत चौंक गए और बहुत गुदगुदाया भी फिल्मी कहानी ने भी। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि उस वक्त एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या आपके दिमाग में उस वक्त चलता क्या था? कुछ नहीं, ऐसे क्या बता सकते, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था? आ जाता अपने आप, या प्रैक्टिस कर करके ज्यादा हो गया? प्रैक्टिस करके नहीं, वैसे आ गया। आप म्यूजिक सिस्टम लेकर निकले और आपसे पूछा गया कि ये तो हमारा म्यूजिक सिस्टम, कैसे लेके जा रहे हो? तो आपने क्या कहा? तो मैंने बोला आपके पापा ने बोला लेके जाने के लिए। चलिए मैं डॉक्टर निखिल को भी यहाँ पर बातचीत में शामिल करना चाहूंगा। डॉक्टर निखिल, पहली चीज से जैसा मैंने कहा कि सब इनकी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि इनके साथ मारपीट हुई या पिताजी, क्या आपको लगता है कि बंटी जिनका दिमाग बहुत शार्प रहा और उनकी ये इन तमाम चीजों से अभी हम आगे कहानी बताएंगे उससे भी साफ होगा, गलत जगह पर इस एनर्जी के डाइवर्ट होने की बड़ी वजह शुरुआत में परिवार होता है? देखिए ऐसा है कि ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। बंटी जी हमारे साथ बैठे हैं, आपने इनसे सवाल किया कि क्या हुआ था, किस वजह से हम नेगेटिव डायरेक्शन में या अपनी मेंटल एनर्जीज को एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चल पड़े थे। कहीं ना कहीं पे एक हर एक इंसान की एक नेचर होती है, एक पर्सनालिटी होती है, कहीं ना कहीं पे शायद स्टार्टिंग में कुछ इनमें भी कमियां रही होंगी, कुछ परिवार वालों को डिसिप्लिन करने में, स्ट्रक्चर करने में या एक बंधन में बांधने के, जो एक हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं, संस्कार हैं, डर है, जिस चीज को भी हम समझें, कहीं ना कहीं उनकी भी नाकामयाबी रही। मे बी शायद ये बहुत ज्यादा उद्दंड थे या उनके अंदर उस चीज को टॉलरेट करने की कैपेसिटी कम थी, नेगेटिव की तरफ चल पड़े। मुझे लगता है आप इनसे सीधे पूछें ये सवाल तो ज्यादा बेहतर है। आप बताएं साहब कि इसके अंदर आपको क्या लगता है कि कहीं पे मेरी जो एक फितरत थी एक सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ने की, एक तौर तरीकों को तोड़ने की, हमारे समाज में इंसान एक जानवर है, ठीक है, इंसान को जानवर से इंसान क्या बनाया जाता है कि संस्कार, एजुकेशन, सिविक सेंस, इमोशनल रिश्ते और एक कानून का डर, ये पांच छह चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती है, नहीं तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहीं पे मुझमें, मैं इन चीजों से कंफर्म नहीं या इनके दायरे में रह के जिंदगी जैसे एक आम आदमी जीता है, जीने को तो शायद हर आदमी चाहेगा मेरे पास मर्सिडीज हो, बहुत बढ़िया बंगला हो, किसी के घर में घुसू, इतनी मेरे अंदर पावर हो, इतनी समझदारी और शातिरता हो कि मैं म्यूजिक सिस्टम उठा के ले आऊं और कॉन्फिडेंस से मैं निकलते हुए बोल दूं कि जी ये तो मैं लेके जा रहा हूं, ये मेरा हक है, चाहे वो सच है गलत है कैसा भी है। वो आप बंधन में कम बंधे या आपके परिवार वाले आपको बंधन में बांधने में कम रहे?